सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गवाएं। आपको बोलना ही है तो सबके सामने बोलो, क्योंकि पीठ पीछे तो सब बोलते ही हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कठिनाइयों को कभी आने से नहीं रोकें। आज का पंचांग 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, कार्य में प्रतिस्पर्धा आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य कुछ दान पुण्य के कार्यों को करने के लिए समय निकालें। शांत रहना और आराम करना इस दिन की जरूरत है। ऋण या भविष्य के संकटों से बचने के लिए सभी प्रमुख निर्णयों के बारे में सोचें। चंद्रमा की नई कलाओं से आपको जीवन का नया नजरिया मिलेगा, जिससे आप कई सुनहरे मौके पाएंगे। आज आप हर बात को लेकर भावुक रहेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों से निराश ना हों। लोगों से बात करके गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में सहायता करता है। आज आर्थिक दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी और भाग्य साथ देगा। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। नौकरी को लेकर कहीं से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ऑफिस में वरिष्ठ जन आपकी विशेष रूप से सहायता करेंगे। रुपए पैसे के मामलों में आज आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। व्यावसायिक अथवा निजी काम से सुखद यात्रा हो सकती है। आज लिखने और पढ़ने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। दूसरों से ना बिना वजह ना उलझें। घर परिवार में कुछ गलतफहमियों के चलते आपसे मतभेद हो सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी बात को मूल ना दें और अपने काम से काम रखें। भाषा के मर्यादा पर ध्यान दें, नहीं तो बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। परिवार में कई बार एडजस्ट करके काम चलाना पड़ता है। आज के दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक भी रहेगा। दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बन सकता है, जिसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों को पहले सूचना देनी होगी। सावधानियां, आज आपके परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप उसे माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही करें। बात करते हैं लव लाइफ की। उदासी और अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए अभी घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी सेवा करें। अपने मनोभाव और विचारों को अपने साथी तक पहुंचाने के लिए भी यह अच्छा समय है। अपने साथी पर ध्यान दें और जीवन के निर्णय दोनों मिलकर लें। आज नौकरी और रिश्ते दोनों से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। अपने ध्यान को अपने जीवन के विशेष व्यक्ति की तरफ केंद्रित करें और अपने विचारों को उससे बांटें। इससे आपकी दोनों के बीच की गलतफहमी दूर होगी। इससे पहले अपने प्यार की महत्वपूर्ण निशानी चॉकलेट खरीदना ना भूलें, क्योंकि यह दरारों को भरने का अच्छा उपाय है। बात करते हैं करियर की। और कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है, जिससे आपके प्रयास व मेहनत दोनों सफल होंगे। नौकरी या कार्यस्थल में प्रतियोगिता आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। अभी किरायेदारों या अधीनस्थ से हुआ विवाद आपको उदास कर सकता है। अपनी नई पहचान बनाए ताकि लोग आपका सम्मान करें। आज आपका पूरा ध्यान भौतिक सुरक्षा और आने वाले अवसरों की तरफ होगा। आसपास के लोगों और प्रियजनों की सलाह भी
आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। माना कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बात करते हैं सेहत की। सिर दर्द या माइग्रेन आदि से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अधिक से अधिक शांत रहने का प्रयास करें और साथ ही उपचार हेतु कोई लापरवाही ना करें। अधिक समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।